so hello all of you. today we will be discussing the second series of mock test papers for business economics. let's start with the first question. microeconomic theory studies how a free enterprise economy determines price of goods, price of services, price of economic resources, all of the above. the answer, as you all know, is price of goods which aspect of taxation involves normative economics so normative economics we know is basically uh, more from a social perspective so incidence of the tax effect of the tax on incentives to work fairness of the tax all of the above fairness of the tax checks the social perspective of the taxation so that is why correct option is option c

एंड इनक्रीज इन द प्राइज ऑफ अ कमोडिटी वेन डिमांड इज़ इन इलास्टिक टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द कमाडिटी टू ओके टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या बोलता था कि हम लोग डिफरेंट प्राइस पे क्वान्टिटी डिमांडेड देखते हैं आइडियली अगर डिमांड इलास्टिक है तो इसका मतलब कि एक छोटे प्राइस चेंज एक छोटे प्राइस चेंज से लेट से अगर हम लोग प्राइस को इंक्रीज़ किए यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज का बात हो रहा है तो लेट से हम लोग प्राइस को अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ किए एंड अगर वो इलास्टिक कमोडिटी है उसका डिमांड इलास्टिक है उस कमोडिटी का तो द क्वान्टिटी डिमांडेड विल फॉल बट इट विल फॉल बाय अ वेरी लार्ज अमाउंट सिमिलर्ली इफ इट इज़ इन इलास्टिक दैन even if we change the price by even if we increase the price by a very large amount jo quantity demanded hai wo more or less same rahega which means it will not change to total expenditure kya hoga price upar jane se quantity kam hote hai ab wo kitna kam ho raha hai agar wo कम कम हो रहा है which means the reduction is very less तो total expenditure पे जो effect होगा वो price बढ़ने का effect से आइडियली टोटल एक्सपेंडिचर शुड हैव गॉन अप पर क्वांटिटी क्योंकि कम हो जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा नलिफाई करेगा पर इफेक्ट विल बी वेरी लिटल सो टोटल एक्सपेंडिचर इज़ लाइकली टू राइज ओनली क्योंकि नेट में इंक्रीज इन प्राइस विल वर्क सिमिलरली लेट से अगर बहुत ज़्यादा से क्वांटिटी डिमांडेड गिर गया बहुत ज़्यादा से तो क्या होएगा इट इज़ लाइकली दैट द फॉल इन द क्वान्टिटी डिमांडेड विल नलीफाई द इंक्रीज इन प्राइज विच मीन्स जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्राइस जितना से बड़ा क्वांटिटी उससे ज़्यादा से गिर गया तो नेट में एक फॉल आया है नेट में एक फॉल आया है यहाँ पे बोल रहा है कि इन इलास्टिक है इन इलास्टिक केस में प्राइस बढ़ने से जो चेंज है दैट शुड हैव बीन लेस दैट शुड हैव बीन लेस क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए था तो इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर विल

नेगेटिव व्हेन क्रॉस अलास्टिसिटी इज़ नेगेटिव क्यों बिकॉज एक का हम लोग प्राइस का बात करते हैं एंड दूसरा का हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड का राइट क्रॉस अलास्टिसिटी में प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी तो यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोनों के क्वांटिटी डिमांडेड का ही बात हो रहा तो है तो इट बेसिकली मीन्स कि लेट्स टू गुड्स है एक्स एंड वाई तो लोग बोल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स अगर इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी ऑफ वाई भी इंक्रीज़ होते हैं क्वांटिटी एक्स कब इंक्रीज होगा जब क्वान्ट जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल होगा जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल होएगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी एक्चुअल में ये दोनों का रिलेशन निकालते हैं प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई तो ये दोनों का रिलेशन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो इसीलिए इट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी A consumer who is below बिलो personal पर्सनल बजट लाइन than on ऑन इट बजट लाइन the line लाइन जो गिविथ द मनी इनकम एंड प्राइसिस ऑफ टू कमोडिटीज वो लाइन जिसके ऊपर हम लोग अपने पूरे बजट को एग्जॉस्ट करते हैं इस कॉल द बजट लाइन तो बिलो द बजट लाइन विच मीन्स लेट्स वी आर समवेयर योर तो इसका मतलब क्या है दिस पोर्शन शोड अस कि अगर हम लोग फुल बजट एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो हम लोग इस लाइन पर लाइक करेंगे अगर हम लोग इसके नीचे हैं मतलब हम लोग का जो बजट है उससे कम हम लोग का जो इनकम है उससे कम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं तो ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑल हिज पर्सनल इनकम द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सेटरिस पैरि इज गिवेन बाय अ मूवमेंट अप अ गिवेन एंड डिफरेंस कर्व अट फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर इन डिफरेंस कर्व अ मूवमेंट डाउन अ गिवेन इन कर्व और एनी ऑफ द अबाव तो सब्सटिट्यूशन इफेक्ट है विच बेसिकली मीन्स कि एक कमोडिटी का प्राइस जब चेंज होता है देन वी टेंड टू मूव टू इट्स सब्सटिट्यूट या फिर वी टेंड टू मूव फ्रॉम इट्स सब्सटीट्यूट टू द गिवन कमोडिटी विच मीन्स बेसिकली हम लोग स्विच करते हैं बिटवीन कमोडिटीज ड्यू टू द प्राइस चेंज तो जब कमोडिटी का जो प्राइस है वो गिरता है तो क्या होता है सब्सटिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कंसर्न कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा डिमांड आ जाते हैं कंसर्न कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा डिमांड आ जाते हैं एंड दिस कैन बी शोन बाय एनी ऑफ द थ्री तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज सेवन डी वो इन डिफरेंस कर्व से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है एंड नहीं बेसिकली सेम एंड डिफ्रेंस कर्व में ऊपर जा सकता है सेम एंड डिफरेंस कर्व में नीचे जा सकता है, पर अगर हम लोग इन डिफरेंस कर्व इंटायरली मूव करने का बात करें तो फिर वो हमेशा नीचे जाएगा वो हमेशा नीचे जाएगा तो इसीलिए मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर इन डिफरेंस कर्व दैट इज़ वाई इट इज ऑल ऑफ द अबव वैन रियल इनकम रादर दैन मनी इनकम इज केप्ट इन अ कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड इट इज़ ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कड नॉट एक्सप्लेन चोइ रिस्क बिकॉज इट अज्यूम्ड यह क्वेश्चन अगेन हम लोग को पूरा समझने का दरकार ही नहीं है हम लोग को पता है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी क्या बोलता था मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस ओवर टाइम करेक्ट सो एम यू ऑलवेज डिक्लाइंस एम्पेरिकल डिमांड कॉफ्स एम्पेरिकल डिमांड कॉ क्या होते हैं कोई भी चीज़ अगर एम्पेरिकल होता है तो उसका मतलब है कि वी आर अराइविंग एट दैट पर्टिकुलर थिंग यूजिंग रियल लाइफ डेटा वी आर यूजिंग रियल लाइफ डेटा टू अराइव एट थिंग तो एक्चुअल मार्केट प्राइस क्वान्टिटी ऑब्जर्वेशन से हम लोग को एम्पेरिकल डिमांड को मिल सकते हैं विद इन द रेलिटिव रेंज आइसोक्वंस आइसोक्वान्स क्या होता है Isoquants are basically all those combinations of inputs that can give us the same level of output. That gives us the same level of output. They are called isoquants. SA shape hota to negatively sloped, hai, convex to origin hai, and cannot cross, which means ki cannot intersect basically. So all of the above. At the point where a straight line from the origin is tangent to the TC curve. AC सी इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टी कैसा दिखता है समथिंग लाइक दिस समथिंग लाइक दिस स्ट्रेट लाइन from द ओरिजिन कहाँ पर लाइक करेगा ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज where द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज टेंजेंशियल टू द टोटल कॉस्ट कर्व इस कर्व के corresponding, जब हम लोग एवरेज कॉस्ट curves बनाते हैं जब हम लोग एवरेज कॉस्ट curves बनाते हैं तो इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम होता है तो ए सी इज मिनिमम एक और चीज़ हम लोग को पता है कि मिनिमम पॉइंट पे ए सी एंड एम सी इंटरसेक्ट तो इट इक्वल्स एम सी इक्वल्स ए वी सी प्लस ए एफ सी ए सी किसी भी पॉइंट पे हो तो वो तो ए एवीसी प्लस ए एफ सी ही होगा नथिंग कैन चेंज दैट फॉर श्योर तो इट इज ऑल ऑफ द अबव इट इज ऑल ऑफ द अबव एट द बेस्ट और ऑप्टिमम शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट फर्म विल बी बोथ अगर प्रॉफिट मेकिंग फर्म है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा अगर लॉस मेकिंग फर्म है तो वो लॉसेस मिनिमाइज करेगा इन द शॉर्ट रन द मोनोपलिस्ट ब्रेक्स इवन इन करज द लॉस मेक्स अ प्रॉफिट एनी ऑफ द अबव याद रखना लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में मोनोपलिस्ट प्रॉफिट बनाएगा पर शॉर्ट रन में इट कैन लाई इन एनी ऑफ दिस थ्री इट कैन लाई इन एनी ऑफ दि थ्री टू इट इज एनी ऑफ द अबव इन द लॉन्ग रन इक्वलिब्रियम द प्योर मोनोपलिस्ट एज अपोज टू द परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म कैन मेक प्योर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हम लोग को पता है के पूरे प्रॉफिट का रीजन क्या है ब्लॉक्ड एंट्री बिकॉज वो अकेले है पूरे मार्केट में वो अपने आप प्राइस मेक कर सकता है इसीलिए वो प्रॉफिट्स बनाते इज इन लॉन्ग है विल प्रोड्यूस एट लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स एल एसी कर्व नेवर मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन में याद रखना कभी भी हम लोग एल के मिनिमम पॉइंट पे या लोएस्ट पॉइंट पे नहीं लाए करते हैं। हम लोग हमेशा फॉलिंग आर्म पे लाए करते हैं वी आर ऑलवेज समवेयर ऑन द फॉलिंग आर्म तो नेवर इन द किंग डिमांड कर्व मॉडल्स किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली में था जहाँ पे एक पॉइंट पे एक किंग आ था डिमांड कर्व में और उसको बोलते हैं द तो प्राइस रेजिडिटी पॉइंट या फिर क्वांटिटी रेजिडिटी पॉइंट बिकॉज उस पॉइंट के ऊपर या नीचे जाने से ही द कस्टमर्स विल टेंड टू चेंज देयर चेंज देयर प्रेफरेंसेस एज टू या फिर कौन से सेलर से हम लोग जाके खरीद रहे हैं वो सब चेंजेस आ जाएंगे एंड प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम लोग मूव करेंगे तो द अदर सेलर्स इन द मार्केट विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो इसमें हम लोग क्या आज्यूम करते हैं द रिकॉग्नाइज देर इंटरडिपेंडेंस जैसे कि बोला हम लोग जैसे ही कुछ करेंगे अदर फॉर्म्स विल आल्सो स्टार्ट डूइंग इट डू नॉट कल्यूड सिंस वी आर रिकॉग्नाइजिंग कि अदर फॉर्म्स आर देयर इट मींस कि वी आर नॉट वी आर नॉट वन वी आर डिफरेंट सो वी आर नॉट कल्यूडिंग टेन टू कीप प्राइसेस कांस्टेंट इस पूरे मॉडल का बेस ही है प्राइस रिजिडिटी सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव If Americans today, for example, were too content to live at the level of the Indian middle class people, all their wants would be fully satisfied with their available resources and capacity to produce. On the basis of the statement above, which of the following conclusion can be made? The possession of goods and services by USA has enormously increased to exceed their wants. The affluent and developed countries of USA and Western Europe face the problem of scarcity even today, as their present wants to remain ahead of their increased resources and capacity to produce. The affluent and developed countries are not facing the problem of scarcity. Papa's statement: If Americans today were to content to live at the level of the Indian middle class people, all their wants. वुड भी फुल्ली सैटिस्फाइड विद दर अवेलेबल रिसोर्सिस एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस तो फर्स्ट वाला जो है ये तो नहीं है बिकॉज पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैज इनॉमसली इंक्रीज टू एक्सीड देर वॉन्ट्स ये बिल्कुल भी इस टेंस में ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है दी एफेंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप फेस द प्रॉबिटी इवन टूडे एज दर प्रेजेंट व टू रिमेन अड ऑफ देर इंक्रीज एज दर प्रेजेंट वर इंक्रीज रिसोर्स एंड कपैसिटी टू प्रोड्यूस तो इंक्रीज रिसोर्स है एंड कपैसिटी टू प्रोड्यूस है पर उन लोग फिर भी प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी फेस कर रहे हैं ये हम लोग को कैसे पता चल रहा है ये हम लोग को इसी लिए पता चल रहा है क्योंकि उन लोग इंडियन मिडिल क्लास पीपल के लेवल पर जीना चाह रहे हैं The affluent and developed countries are not facing the problem of scarcity. This is not at all true. Yetunlo scarcity ka problem to hai. So the correct option is B. Economics is a branch of social science because we are studying people and uh, how they make decisions. <coughs> a socialist economy is a system of production where goods and services are produced. डिरेक्टली फॉर यूज क्योंकि प्रॉफिट कब होगा प्रॉफिट जनरेशन तब होगा जब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा या एक मिक्सड इकोनॉमी होगा वेर दर इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर एंड यूज द रिसोर्सेज फॉर समथिंग दैट विल गिव दैम प्रॉफिट पर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो एक ही जन सारा प्रोडक्शन कर रहा है एंड क्यों कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि सब उसको यूज कर पाए कैपिटल इन्थेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज इन

जहाँ पे कैपिटल ज्यादा है विल गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव ड्योरिंग लॉकडाउन सेलिंग स्ट्रीट है मतलब वेजीटेबल्स का जो प्राइस है वो राइज हो गया है शी विल बाई डैश वेजीटेबल्स डिमांड शोइंग द डिमांड ऑफ वेजीटेबल्स इज तो वेजीटेबल्स वी नो इज इन इन अलास्टिक डिमांड क्योंकि वो एक नेसेसिटी है तो उसका डिमांड इज इन अलास्टिक तो शी विल बाय शी के नॉट चेंज हर कंजम्पन वेजीटेबल्स का बिकॉज दैट इज समय तो सेम होगा सेम होने का मतलब क्या है इन अलास्टिक डिमांड एट सैचूरेशन पॉइंट ऑफ टी यू कर्व द स्लोप ऑफ टी यू कर्व सैचुरेशन पॉइंट जो है दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं पर हाँ सैचुरेशन पॉइंट तभी होता है जब स्लोप ज़ीरो हो जाते हैं जब स्लोप ज़ीरो हो जाते हैं वी कैन कंसिडर दिस एज जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज जब हो रहा है जब वो मैक्सिमाइज हो रहा है तो व्हेन इट गेट्स मैक्सिमाइज्ड उस पॉइंट पे द स्लोप इज़ जीरो सो दैट्स वी विल गो फॉर ज़ीरो

Is the sunk cost, क्योंकि वो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है मार्केट दाइज टू मेक डिस क्या होते हैं फोर पीस होते हैं प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन एंड प्राइस पीपल इज नॉट पार्ट ऑफ द फोर पीस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट फॉर्मुला टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन टू क्वान्टिटी परफेक्टली फाइन समेसन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट नॉट रियोली समेन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेक्ट समेसन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट दिस इज करेक्ट ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये हम लोग को अलग से एड करना होता है बिकॉज टी एस सी कौन से वाले में आते हैं जब जीरो यूनिट्स होते हैं तब उस टाइम पे हम लोग का मान लो अगर टी एफ सी टेन है तो टेन दिखाते हैं। और एम सी कितना होता है जीरो यूनिट्स पे एम सी इज जीरो नॉट इवन जीरो इनफैक्ट इट इज अनडिफाइंड वी डोंट कंसिडर अ मार्जिनल कॉस्ट फॉर जीरो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सिमिलरली फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा टेंट फिक्स्ड कॉस्ट होएगा प्लस वेरिएबल कॉस्ट मान लो टू है तो ट्वेल्व मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ टू हुआ फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स टू तो जब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को सम अप करेंगे तो कहीं पे भी ये टेन फीचर नहीं करेगा तो इसीलिए टोटल कॉस्ट सॉरी तो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट है उसका उसके इक्वल करने के लिए वी विल हैव टू इंक्लूड दिस फिक्सड कॉस्ट अलग से सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्वेंटी एट बी

डिमांड कर्व यस तो बोथ डिमांड एंड मार्जिनल करेक्ट थर्टी सी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जे एम केन्स डैश वॉज द मेन कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट केन्स हमेशा एक ही चीज का बात करता था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सो लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन विल पुश द इकनॉमी टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ एक्सेस एक्सटर्नल डेथ पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज द रिकन्स्ट्रक्शन अप इफेक्टिव डिमांड एंड इन टर्न एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम कैन कॉज बूम और रिसेशन डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिस अडोप्टिड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन बाई गवर्नमेंट कैंशियन थ्योरी से यही होता है कि पोस्ट व रिकन्स्ट्रक्शन में पिकअप uh, ही आएगा क्योंकि जो uh, हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन के लिए स्टेप्स लेंगे उससे एज दे हैव इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा एंड एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगा प्राइस विच अ टोटल विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज हिज मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज हिज मार्जिनल यूटिलिटी कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्योंकि दोनों को साथ में यूज करना होता है कंप्यूटर खरीदोगे तो उसमें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी डलवाना होगा fluctuations in economic activities according to Keynes again same thing aggregate effective demand turning point of business cycle is produced by when economic indicates yeh jo question hai may I think koi problem hai बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी क्लियर पर ये समझ आ रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर्स जो हम लोग थ्री टाइप्स का इंडिकेटर्स पढ़े हैं को इंसिडेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो बिजनेस uh, साइकिल के साथ साथ मूव करते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो बिजनेस साइकिल मूव करने के बाद दे स्टार्ट शोइंग एंड लीडिंग होते हैं जो बेसिकली दे कम बिफोर बिजनेस साइकिल एक्चुअली रीचेज दैट स्टेज तो उन लोग पहले से सॉट ऑफ ऑफ वार्निंग दे देते हैं यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरियंट प्रपोर्शन इंक्रीजिंग कॉस्ट नन ऑफ दिज आई थिंक यहाँ पे एक प्रिंटिंग एर है शायद ये वेरियंट नहीं वेरिएबल प्रपोर्शन होना चाहिए दिस शुड बी वेरिएबल प्रपोर्स एंड दैट इज ओनली द रीजन क्योंकि हम लोग किए थे जो प्रोडक्टिविटी होता है उसी का मिरर इमेज होता होता है है उसी का मिरर इमेज कॉस्ट द रीजन बिहाइंड द अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग मतलब कॉस्ट इज इंक्रीजिंग लॉन्ग रन कॉस्ट कॉस्टकर्व आर इंक्रीजिंग इट इज बिकॉज ऑफ डिसकोमीज ऑफ स्केल शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द विल बी इंक्रीजिंग शॉर्ट रन एम सी क्या होगा शॉर्ट रन एम सी विल बी इंक्रीजिंग मतलब जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है इज दिस पोर्शन दिस इज द इंक्रीजिंग पोर्शन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग नॉट रियली ट्रू टोटल फिक्सड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग करेक्ट क्योंकि एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट का डरेक्ट रिलेशन किस से है सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट से सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टोटल कॉस्ट का जो चेंज है दैट इज शोन बाय द मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज आल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग दैट इज आल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग कंज्यूमर इज सॉवरिन मतलब कंज्यूमर के पास फ्रीडम टू चूज होता है फ्री इकोनॉमी में डेफिनेटली एंड इवन अ मिक्स्ड इकोनॉमी में तो इसीलिए बोथ ए एंड बी कंट्रोल्ड इकोनॉमी में दे डू नॉट से ही क्लियर है आर कंट्रोल्ड समवन समल्स द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट इज ऑब्वियसली चॉइस ऑफ गुड्स इंड सर्विस शिफ्ट इन द बजट लाइन वेन प्राइसिसू टू बजट लाइन कब शिफ्ट होता है बजट लाइन में तीन चीज़ ही इफेक्ट होते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी वन प्राइस ऑफ कमोडिटी टू एंड दी इनकम ऑफ़ द कंज्यूमर तो डिमांड का कोई कनेक्शन नहीं है यूटिलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है चेंज इन इनकम लॉ ऑफ डिमांड इज वायोलेटेड वेन इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव सब्सटीशन इफेक्ट इज नेटिव नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर दैन दब्सटीट्यूशन इफेक्ट नॉन ऑफ दीज इसमें थर्ड ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि सिर्फ इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने से नहीं फर्क पड़ेगा इफ द सब्सटिट्यूशन इफेक्ट मूव करेक्टली सिमिलरली सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इवेंचुअली डिमांड जो है चेंज इन डिमांड जो है वो इनकम इफेक्ट और सब्सटीटूशन इफेक्ट का मिक्सचर है इट इज़ बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटी इफेक्ट तो इसीलिए ओनली इफ द इनकम इफेक्ट इज सो नेगेटिव इज सो नेगेटिव दैट इट कैन नॉट इट कैन नॉट बी बेसिकली सेट ऑफ बाय द सब्सटिट्यूशन इफेक्ट तब फिर लॉ ऑफ डिमांड वायोलेट हो जाते हैं विच मीन्स कि

इज़ नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर प्राइसिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कंज्यूमर बिहेवियर एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी वीनो करेंसी का जितना भी कंसर्न होता है दे आर माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर कैरेक्टरिस्टिकपिटलिस्ट इकोनॉमी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज देयर फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस इज देयर एबसेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस इज नॉट देयर कंज्यूमर चॉइस प्रेजेंट होता है एंड कम्पटिशन नहीं दिस शुड बी कॉम्पिटिशन आई थिंक

गुड का या एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसके सब्सटीट्यूट पे हम लोग या तो शिफ्ट हो जाते हैं या फिर सब्सटिट्यूट से हम लोग कंसर्न कमोडिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो ये कब होगा दिस विल ओनली बी व्हेन द गुड्स हैव अ वेरी क्लोज सब्सटिट्यूशन मतलब दोनों काफ़ी काफ़ी सिमिलर हैं तो इसीलिए वी विल बी विलिंग टू एक्चुअली सब्सिट्यूट दैम देर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड्स अगर बहुत हाई कॉस्ट होगा शिफ्ट करने के लिए तो फिर वो कॉस्ट को भी हम लोग को इनकॉपरेट करना होगा एंड हो, हो सकता है बिकॉज ऑफ दोज कॉस्ट बींग सो हाई वी डू नॉट अंडर गो दब्स्टिट्यूशन दैर इज लोअर इनकनवीनियंस वेल स्विचिंग अगेन द सेम थिंग तो ऑल थ्री आर नेसेसरी कंडीशन फॉर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैर द प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट्स रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स एट्रा है डिमांड डज नॉट स्टैंड एनी टेंडेंसी टू फॉल

क्यों क्योंकि वो कॉन्सपिक्यूस ने बन गए मतलब वो नेसेसिटी भी है प्लस दे आर द कॉन्सपिकुअसमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ये तीनों ही वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है इनकम अलास्टिसिटीज डैश इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन ऑब्वियसली दे डिफर दे डिफर इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्योंकि कोई भी एक कमोडिटी का लॉन्ग uh, रन में हो सकता है हम लोग उसको खरीदने के लायक हो जाए तो इसीलिए लॉन्ग रन में इट विल नॉट मैटर टू अस सो मच पर शॉर्ट रन में इट मे मैटर मोर टू अस एंड सेम फॉर द एग्जैक्ट ऑपोजिट केस ऑल्सो सो करेक्ट आंसर इज ए अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग या एज वेल एज इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट टेलीकॉम इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री मतलब कि इट इज़ द इंडस्ट्री जिसमें हम लोग का टेली होता है फॉर एग्जाम्पल ऑल आर नेटवर्क प्रोवाइडर्स जियो वोडाफोन एयरटेल एट्सट्रा बहुत ही फ्यू कंपनीज हैं फ्यू सेलर्स हैं तो इट इज़ एन ओलिगोपोली इट इज़ एंड ओलीगोपोली On the basis of nature of transaction, this should be nature. The basis of nature of transaction, the market is classified into spot and future. Total revenue is maximum when total revenue is dash. I think this question doesn't make sense at all. Um, हाँ आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग विच कैन मेक दिस क्वेश्चन सेंसिबल थर्ड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है थर्ड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन इज़ बेसिकली वैन वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड चार्जिंग डिफरेंट प्राइजिज टू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर एग्जाम्पल एज ग्रुप हो गया उन लोग का जेंडर हो गया ये सब उन लोग का लेवल ऑफ इनकम हो गया ये सब के बेसिस पे जब हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड ग्रुप्स में डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं दैट इज़ थर्ड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन तो इसका एग्जाम्पल चाहिए डंपिंग <coughs> हो सकता है बिकॉज डंपिंग कब होता है डंपिंग होता है जब हम लोग एक जगह से लाके दूसरी जग, दूसरी जगह एक कम प्राइस पे देते हैं एट अ वेरी वेरी लो प्राइस चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज अगेन सेम डोमेस्टिक एंड कमर्शियल हम लोग टू ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं लोअर प्राइस इन राशनिंग फॉर सीनियर सिटीजन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एज वी आर Making a classification, they see all of the above. Management of the firm, dash control over macroeconomic factors. We know very well that macroeconomic factors are completely out of control of the management. So they have no control over the macroeconomic factors. Related goods are of two types: complementary and substitute. The elasticity of supply at any point on a given supply curve.

इज गोइंग टू द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस अकॉर्डिंगली उसका डिसाइड होगा कि वो लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है ठीक है एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा सॉरी गलती से डिमांड कर् ड्रॉ हो गया ये सप्लाई कर्व है िजिन फिर अगर वाई एक्सिस से है तो ऐसे बनेगा अगर एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रहा है तो ऐसे बनेगा तो या तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा या वाई एक्सिस को या फिर ओरिजिन को तो जब ओरिजिन को क्रॉस करता है तब इलास्टिसिटी इज ऑलवेज वन तब इलास्टिसिटी इज ऑलवेज वन एंड नैचुरली एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो हमेशा ऐसे याद रखना एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है मतलब कि ऐसा है विच मीन्स क्वान्टिटी रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ मच प्राइस वी चेंज नो मैटर हाउ मच प्राइस वी चेंज क्वान्टिटी हमेशा सेम रह रहा है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इन इलास्टिक और अगर वाई एक्सिस को क्रॉस कर करें अगर वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं है, तो इसका मतलब प्राइस बिना चेंज हुए प्राइस बिना चेंज हुए क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है विच मीन्स वेरी इलास्टिक वेरी इलास्टिक तो इसीलिए जब एक्स वाई एक्सिस को क्रॉस करते हैं मतलब कि इलास्टिक है ग्रेटर देन वन है एंड जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं मतलब इन इलास्टिक है लेस देन वन है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वॉज प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड मार्शल दिस इज अगेन अ वेरी टिपिकल हंड्रेड परसेंट थ्योरी You just have to remember the definitions and names of the economists. Though Alfred Marshall was the one who propounded the traditional approach of law of demand. So that brings us to the end of the second mock test given by the Institute for the Business Economics section. Thank you, all of you.